आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ के बारे में। अगर आपने भी इस आईपीओ में जो है वो सब्सक्रिप्शन किया है, यानी कि आपने भी आईपीओ भरा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंपनी के आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में बात करने वाले। एसेंट आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को किस तरीके से आप जान सकते हो, लेकिन इससे पहले आप सभी को बता दें कि एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ में अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाती हो और यहाँ पर आईपीओ जीएमपी टुडे पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो ये रहा एसेंट माइक्रोसेल जो आईपीओ, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹205 पर पहुंच चुका है। ₹140 तो आईपीओ का प्राइस है और यहाँ पर ₹205 तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि 146% तक का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर सीधी सी भाषा में समझे तो यहाँ पर एक लॉट में 1,000 शेयर है और इसमें आपने 1,40,000 का निवेश किया है और इस 1,40,000 पर आपको ₹200 प्रति शेयर के ऊपर जो है वो फायदा मिलेगा, यानी कि ₹200,000 तक का शुद्ध मुनाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको ₹200,000 तक का यहाँ पर फायदा होने वाला है अगर आपको ये आईपीओ लग जाता है, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि अलॉटमेंट स्टेटस किस तरीके से आपको जानना है, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो है वो कंपनी के फंडामेंटल भी बताए गए हैं। फंडामेंटल भी काफ़ी ज़बरदस्त है, लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रही है। प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको अलॉटमेंट स्टेटस देखने का है। सबसे पहले तो आपको एशियंट आईपीओ का जो रजिस्टर है उसे फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्टर की डिटेल है, जिसमें के फिनटेक टेक्नोलॉजी पर जो है वो आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस आएगा। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको कंपनी का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है, एशियंट माइक्रोसेल आईपीओ। जैसे कि यहाँ पर जब आपका जो है वो ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट में कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कंपनी का नाम सिलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन नंबर या फिर डीमैट अकाउंट या फिर आप पान कार्ड के जरिए आप आसानी से जान सकते हो। यहाँ पर आपको पान कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है और तुरंत ही आपका जो है वो अलॉटमेंट यहाँ पर स्टेटस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है वो अभी तक कंपनी आई नहीं है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं है। तुरंत ही यहाँ पर जो है वो नाम आ जाएगा, नाम को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर पान कार्ड की डिटेल डालनी है और कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। अगर आपको ये आईपीओ लग जाता है तो यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो, यानी कि 1,000 शेयर जो वो बेच सकते हो। उसके बाद जो शेयर बचे रहते हैं उसे लंबे समय के लिए आप रख सकते हो, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि फंडामेंटल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और आगे भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है।